सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल किस तरीके से मार्केट पे ट्रेड किया जा सकता है एंड हम लोगों की क्या एनालिसिस होनी चाहिए। सो दोस्तों, लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने किया था एंड ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको ड्रा करके ये वाला दिखाया था एंड किस तरीके से बताया था कि मार्केट यहाँ स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक मार्केट अपना सपोर्ट बनाते हुए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम प्ले कर रही है। सो दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट अपसाइड ड्राइव कर रही है उसी तरीके से हम लोगों को अपना ट्रेड भी ड्राइव करना चाहिए। नो डाउट कल हम लोगों ने जो फ्लैट और गैप अप के सिनारियो एंड गैप डाउन के सिनारियो के लिए बात किया था दोस्तों, यहाँ कहीं से हम लोगों को वन वे लगभग लगभग 80 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने कैप्चर किया। ये एक अच्छा ट्रेड होता है दोस्तों, 80-90 पॉइंट अगर आप निफ्टी पे कैप्चर कर लेते हैं ये एक अच्छा ट्रेड माना जाता है। सो उसके बाद मार्केट ने यहाँ किसी लेवल के आसपास का रिजेक्शन लिया एंड मार्केट ने थोड़ा सा फॉल दिखाया। अगेन उसी जोन के आसपास मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वायर्स आए और मार्केट को अपसाइड का यहाँ पे क्या किया, एक मोमेंटम दे दिया। ओके, चलिए ये अच्छा ट्रेड हम लोगों के लिए आज का था एंड इस पे नो डाउट हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस तरीके से ट्रेड आपका मिस ना हो। अब देखिए हम लोग कल के दिन किस तरीके से स्ट्रेटजी यहाँ पे निफ्टी में अपना बना सकते हैं। ओके, चलिए इसका डिस्कशन सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए कहीं कहीं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप लोगों को 18,234 के आसपास निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको मैं हटा देता हूं। ओके, कल के दिन एक लेवल ये है 18,265। अगर मार्केट कल के दिन इसको फ्लैट ओपन होके या गैप अप यहीं कहीं ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है, सो दोस्तों आप बाइंग के साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो होगा कल के दिन आपका होगा ये होगा 380 के आसपास, फर्स्ट टारगेट आप इसको रख सकते हैं। बस एक चीज अवॉइड कीजिएगा, अगर किसी कारण यहां से मार्केट इसी किसी लेवल के आसपास 370 360 के आसपास ओपन हो जाता है, सो दोस्तों यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। ये कहाँ तक मिल सकता है आप लोगों को, लगभग लगभग 150 के आसपास, 18,150 के आसपास भी आप लोग कल के दिन नीचे के साइड टारगेट देख सकते हैं। बस एक ही सिनारियो में आप लोगों की ये बात ध्यान रखना है कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन ना हो, अदरवाइज यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का फुल्का 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो, सो दोस्तों ये चीजें एडजस्टमेंट हो जाती हैं। एज ए ट्रेडर आप भी जानते हैं किस तरीके से ट्रेड को यहाँ पे लॉजिकल प्ले करना चाहिए। ओके, सो दोस्तों यहाँ फ्लैट के केस में हम लोगों को नो डाउट एक लगभग लगभग 100-150 पॉइंट का एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए अपसाइड का मिल सकता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव कब हो जाएंगे, इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है निगेटिव होने का सिनारियो। किसी कारणवश मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट या ग्लोबल न्यूज के कारण मार्केट गैप डाउन देती है और मार्केट 18,150 के नीचे फर्स्ट, याद रखिएगा 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल मैंने नहीं बोला है, 15 मिनट की कैंडल और 5 मिनट के कैंडल पे आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये कैंडल्स और इन कैंडल्स का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो 18,150 के नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करती है नीचे साइड, सो दोस्तों आप यहाँ पे उसी कैंडल के हाई का एसएल रख के, यानी कि आप 160-170 रुपए का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड आप नीचे साइड फिर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका 18,000 एंड उसके बाद 17,900 भी आप लोग यहाँ पे नीचे साइड का टारगेट अपना बना सकते हैं। ओके, निफ्टी में यहाँ दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस है, फ्लैट का सिनारियो हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट सिनारियो होगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है एंड गैप अप के केस में हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का टारगेट छूट चुका होगा। एंड अगर गैप डाउन खुलता है 18,150 के नीचे, सबसे पहले हम लोग 18,000 का टारगेट रखेंगे एंड नीचे उसके बाद 17,900 का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। सो दोस्तों इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा एंड ये लेवल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड
नो डाउट जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं प्रॉपर व्हाट्सएप में, मैं उनका देखता रहता हूँ किस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं, मैं ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एंड अपने सब्सक्राइबर्स एंड अपने व्यूअर्स को मैं ऑप्शन सेलिंग ही करवाता हूँ। सेफ रहते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं, मार्केट को सीखते भी हैं। सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को आप किस तरीके से सीख रहे हैं, मार्केट को किस तरीके से आप प्ले होता हुआ देख रहे हैं। ड्राइव मार्केट जब होती है लाइव मार्केट में, किस तरीके से आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हैं। सो दोस्तों ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह स्लो एंड स्टडी, यहाँ से देखिए मैं ज्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ। ओके सो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से स्लो एंड स्टडी स्टेप बाय स्टेप अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम दे रही है। सो दोस्तों इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने कल भी आपको बताया था कि हम लोगों को बाइंग कब करना है, मैंने बताया था 43,400 के ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाई करना है। सो दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा नो डाउट कल के दिन उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जिन लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा 5 PM के आसपास यहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शन मिला होगा एंड नो डाउट यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉफिट भी मिला होगा। ओके सो दोस्तों आज भी बैंक के साइड एंड सेलिंग के साइड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ट्रेड दिया है। सो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्ले अप करना होगा। देखिए आज ही अगर आपने पोजीशन बनाया होगा 43,400 के ऊपर, नो डाउट कल मार्केट गैप अप खुल जाए आपको प्रॉफिट होगा, फ्लैट ओपन हो और अप साइड आपको एक बड़ा टारगेट कल के दिन 600-700 पॉइंट का मिलने वाला है। सो इस चीज के लिए आप लोग प्रिपेयर रहेगा। एंड अब हम लोग यहाँ पे निगेटिव कब हो सकते हैं, देखिए फिलहाल अगर स्ट्रांग निगेटिव की बात करें तो 43,000 के नीचे ही हम लोग अपने सेलिंग साइड के व्यू को बनाने वाले हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत करेक्शन आता है 100-200 पॉइंट का, वो हम लोगों के लिए पैनिक सेलिंग नहीं हो सकती, वो एक छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है। सो दोस्तों फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी कारण अगर किसी न्यूज के कारण मार्केट 43,000 के नीचे क्लोजिंग दे और कोई भी 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करे डाउन साइड, सो दोस्तों वहां पे आप लोग 40 से 50 रुपए स्टॉप लॉस रख के नीचे साइड जा सकते हैं। फिर नीचे साइड आपको बड़े टारगेट मिलेंगे, 42,500 भी मिलेगा और 41,400-300 भी आपको आते दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, कल के दिन किसी कारण से या फिर 43,000 के नीचे बस मार्केट गैप डाउन नहीं देना चाहिए, ठीक है। मार्केट में एसएच कोई ऐसी न्यूज भी नहीं है, फिलहाल मार्केट फ्लैट ओपन हो गैप अप ओपन हो आपको बाइंग साइड ही यहाँ पे अपना व्यू रखना चाहिए एंड बाइंग साइड ही आप लगभग 400-500 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ओके चलिए अब हम लोग आज थोड़ा सा एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इस स्टॉक के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया है एंड ये स्टॉक पर्टिकुलर मुझे कुछ अच्छा भी लग रहा है। ओके सो जो लोग थोड़ा सा जॉब वगैरह कर रहे हैं, जिन लोगों के पास टाइम ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होता, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और कब इसको किस जगह पे बाय एंड सेल करना है ये भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके देखिए ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है, ये स्टॉक यहाँ पे इस लेवल के आसपास बहुत अच्छा पॉज ले रहा है। मतलब अगर ओके जस्ट वेट, ओके कुछ इशू आ रहा है लैपटॉप में। ओके ठीक है, चलिए आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 8:30 के ऊपर मार्केट अगर ये स्टॉक अपसाइड ब्रेक करता है 8:30 के ऊपर, याद रखिएगा इसको, आप नोटिफिकेशन इस पे लगा लीजिए, अलर्ट देगा जैसे ही आपको। कभी भी ये 100 रुपए का मोमेंटम आप इसको 130 रुपीज के आसपास करने दीजिए। 8:30 के ऊपर जब कभी भी ये स्टॉक निकलेगा यहाँ पे आप अपने कैपिटल को लगा सकते हैं एंड आप इसको डिलीवरी पे ले सकते हैं, ऑप्शन पे ले सकते हैं। आपको नो डाउट यहाँ पे हो सकता है 1200 से 1300 तक का लेवल दिखाई दे सकता है 70। एंड मैं तो ये तक इस स्टॉक में देख रहा हूँ कि 70 से लेके 100 एंड 200 पॉइंट्स के आसपास लगभग लगभग हो सकता है आपको वन डे में ही मिल जाएगा। सो दोस्तों इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा।
कभी भी ये स्टॉक अभी फिलहाल एकदम पॉश कंडीशन में पड़ा हुआ है। काफी ज्यादा आप इसको देख सकते हैं, काफी लंबे समय से यहाँ पे ये एक पॉज मोड में है। ठीक है, सो दोस्तों इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा एंड इस स्टॉक को आप काफी ज्यादा वॉच आउट करिए। ये आपको एक बड़ा अच्छा रिटर्न देने वाला है। 830 के ऊपर कभी भी निकले आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 10-20 रुपए का रखिएगा एंड उसके बाद आपका टारगेट 1200-1300 तक का हो सकता है। एक सेकंड आप स्टॉक को नोट डाउन कर लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें मेरी ऑलरेडी 6-7 रुपए से होल्डिंग पड़ी हुई है, सो इसको भी आप लोग देख के चलिएगा। ओके वेट, ठीक है, थोड़ा सा कुछ इशू है, सो आप लोग इसको देखिएगा। मैं बता रहा हूँ 36 रुपए के ऊपर कभी भी निकलता है ये स्टॉक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 36 रुपीज के ऊपर, याद रखिएगा। इस प्राइस पे आप मिस्टेक या डाउट आप मत रखना। 36 के ऊपर कभी भी ये अगर ब्रेकआउट देता है डेली या वीकली चार्ट फ्रेम पे, आप लोग बाइंग कर सकते हैं। आपको 55-68 रुपीज के आसपास तक का टारगेट देगा। सो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन आपको एनालिसिस करके दी जाती है। कोई भी मेरा फेक टेलीग्राम या किसी भी तरीके का पेड कोर्स या कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग सीखिए समझिए लाइव चार्ट पे, लाइव मार्केट पे, क्योंकि आपका जब इमोशन आपका ऐड होता है लाइव ट्रेडिंग के साथ, लाइव आपका जो कैपिटल लगता है मार्केट में, तभी आप सीखते हैं। सो दोस्तों इसलिए आपको मैं कोर्स और इन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप हमेशा, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप हमेशा चार्ट को रीड करना सीखे, चार्ट को समझिए, चार्ट को सीखिए। चार्ट ही आपको पैसा बना के देता, कोई मेंटर आपको पैसा बना के नहीं देता है, ना ही कोई कोर्स पैसा बना के आपको देता है, ना ही किसी का टेलीग्राम ग्रुप या अदरवाइज और कुछ भी आपको पैसा बना के देगा। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपका रियल पैसा रहता है जब आप उसको मार्केट में लगाते हैं। सो दोस्तों मार्केट को आप अपने हिसाब से वॉच आउट करिए, मार्केट के लेवल्स को आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कोई भी एनालिसिस करके देता है सो उसको समझने की कोशिश करिए, उसके पीछे का लॉजिक समझिए एंड बैक टेस्ट करिए कि क्या ये जो बंदा जिस तरीके से यहाँ पे लॉजिक दे रहा है, ट्रेड दे रहा है, क्या पोजीशन बता रहा है, क्या इस तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर आपकी रिसर्च क्या है, ये चीज आप हमेशा करिए। इससे क्या है, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छा होगा और मार्केट में आपके काम करने की थोड़ा सा स्पीड भी अच्छी होगी। एंड नो डाउट जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आप अच्छा ज्यादा अर्निंग भी कर पाते हैं। ओके सो दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।